मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। और हमारे ये तीन चैनल हैं, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बहादुरगढ़ ऋषिकेश नीलकंठ जो टूर था वकीलों का, उसका आज 13वां भाग है और टूर का 3रा दिन है। अभी हमें वहां से ऋषिकेश से वापस बहादुरगढ़ की तरफ निकल रहे हैं। देखो कितना सुंदर नजारा है, अप्रैल के महीने में भी कितनी हरियाली है उत्तराखंड में और रास्ते में कितनी अच्छी बिल्डिंग आ रही है। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहते, ये बहुत ही सुंदर प्रदेश है। आप उत्तराखंड में घूम के देखेंगे तो आपको ऐसा प्रदेश नहीं मिलेगा। पूरा प्रदेश हरा भरा प्रदेश है और बहुत ही सुंदर प्रदेश है और यहाँ पर कई देव स्थान है, इसीलिए इसको जो है देवभूमि भी कहते हैं। अब आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी हरियाली आ रही है और कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें आ रही है और बीच में कुछ मंदिर भी आ रहे हैं। और अप्रैल के महीने में पूरी गर्मी होती है, इसके बावजूद भी देखो पेड़ कितने हरे भरे हैं और बीच बीच में आपको गंगा जी के दर्शन भी होते रहेंगे। और ये हमारी यात्रा जो है वापसी की तरफ है और ये वापसी की 3 वीडियो आएंगी। 13वां भाग है, 14वां और 15वां दो भाग हो रहेंगे। आप रास्ते में देखेंगे कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें हैं और बीच में कितनी हरियाली है और ये पूरा प्रदेश पहाड़ों से भरा हुआ है। बीच बीच में जो पहाड़ आ रही है, होटल भी आ रहे हैं। ये देखो दी पैसिफिक होटल आया है और इधर REDCR सरोवर है। यहाँ पर जो शिव के नाम से बहुत ही अच्छा सरोवर है, आप यहाँ देख सकते हैं। और हमारी ये यात्रा निर्बाध गति से बहादुरगढ़ की तरफ बढ़ रही है और बीच बीच में आपको अच्छी बिल्डिंगें मिलेंगी, हरियाली भी मिलेगी और कहीं पर बीच में गंगा माता के दर्शन भी होंगे। ये देखो पूरा का पूरा एरिया हरा भरा है और बहुत ही सुंदर एरिया है। और वकील जो लोगों को न्याय दिलाते हैं वो ऐसी यात्रा पर घूमने के लिए निकलते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। और ये देखो ये पूरा का पूरा पहाड़ हरा भरा है, ये पार्क है कितना सुंदर बनाया हुआ है, इसमें पगडंडी वगैरह सब कुछ है। ये देखते ही बनता है, बहुत ही सुंदर दृश्य है और पूरी हरियाली आपको मंत्र मुग्ध कर देगी और बहुत ही सुंदर लगेगा। ये रोड के ऊपर काफी गाड़ियां आ जा रही हैं, कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। और ये देखो फिर कितना हरा भरा वन क्षेत्र आ गया है और हम लगातार जो है बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे हैं। बीच बीच में ऐसे जंगल आते रहेंगे और शहर भी आते रहेंगे और कहीं कहीं बीच में पार्क भी आएंगे और कहीं कहीं आपको गंगा मैया के दर्शन भी होंगे। मेरे को तो ये बहुत ही सुंदर और हरा भरा उत्तराखंड प्रदेश मिला। और पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तराखंड के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और पिछले 10 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने उनके अंदर विश्वास जताया है। और ये देखो फिर हरियाली आ रही है और बस निर्बाध गति से बहादुरगढ़ की तरफ चल रही है। ये देखो कितने ऊंचे पहाड़ के ऊपर एसटी लाइन है और ये फिर हरा भरा क्षेत्र आ गया आपका। ये बिजली की एसटी लाइन है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर से गुजर रही है जो नगरों को और गांवों को बिजली सप्लाई करती है। ये फिर कितना सुंदर बिल्डिंग आया है। और ये देखो भगवान शिव की मूर्ति है, नमन कर लो भगवान शिव को और ये गंगा मैया के दर्शन हो गए। जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था, बीच में गंगा मैया के दर्शन होते रहेंगे। कितना ही सुंदर ब्रिज है, केबल ब्रिज है। और ये देखो गंगा मैया कितना शुद्ध और जो है नीला पानी है। और ये देखो कितना ट्रैफिक है, लग रहा है यहाँ ये हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। और यहाँ पर बहुत भारी भीड़ है, काफी लोग उत्तराखंड में दर्शन के लिए जाते हैं। और ये बहुत ही सुंदर और हरा भरा प्रदेश है, ये देखो कितना अच्छा प्रदेश है। और ये पुल है और यहाँ पर नीचे से गंगा मैया बह रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसके 2 पार्ट और आएंगे। हरा भरा उत्तराखंड है, आप भी कभी जाइए और
देवभूमि में देवताओं के दर्शन करके आइए और गंगा मैया में डुबकी लगा के आइए। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद।